तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप कोई भी दाल ले लो, उसको आधा घंटे तक सोख करके रखना है। फिर उसको पेस्ट कर लो अच्छे से आधा घंटे के बाद। फिर उसमें आपको डालना है प्याज, मिर्ची, देन नमक, हल्दी, देन काली जीरा। काली जीरा लाइक आपकी मर्जी, हम लोगों के घर पे तो काली जीरा डालते हैं, वो आपकी चॉइस है। फिर उसको आप अच्छे से मिक्स करो, अपने हाथों से मिक्स कर सकते हो या स्पून से, दैट्स अप टू यू। तो उसको अच्छे से मिक्स करना है। तो ये बन गया पूरा बैटर। अभी आपको कढ़ाई में या पैन में आप ऑयल डालो, जब फिर ऑयल को गर्म होने दो। फिर उसमें आप छोटा छोटा बॉल्स करके डाल सकते हो फ्राई करने के लिए। ये बहुत आसान रेसिपी है, ये तो बस ऐसे ही मेरे डिनर के लिए बन रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फिर भी शेयर कर देती हूँ। फिर थोड़ा थोड़ा करके, छोटा छोटा करके आप डाल सकते हो बहुत सारा। ये आपके स्नैक्स के लिए या डिनर के टाइम अच्छा लगेगा, स्पेशली आप स्नैक्स बोल सकते हो, नाश्ता या जो भी आपको ये अच्छा लगेगा। आपको ये पूरा डीप फ्राई करना है, जब तक ये पूरा ब्राउन ना हो जाए तब तक आपको पूरा डीप फ्राई करना है। कभी कभी ना ये इसका जो टेस्ट है ये मैटर करता है आप किस टाइप का दाल ले रहे हो। मैं यहाँ जो दाल यूज़ किया वो है मसूर दाल, लेकिन बहुत लोग बहुत डिफरेंट टाइप का दाल यूज़ करते हैं। लेकिन मैंने सुना है अगर आप मिक्स दाल यूज़ करोगे वो भी अच्छा लगता है, वो भी यमी लगता है। बहुत लोग मिक्स दाल यूज़ करते हैं। तो ये बन गया है दाल का पकौड़ा, और बंगाली में यह बोलते हैं दालेर बोरा। तो एन्जॉय दिस एंड लेट मी नो कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा।